हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको जेब्रा जेड एक्सपी सीरीज 3 का क्लीनिंग कार्ड कैसे यूज़ करना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, जिसमें हमारे पास दो क्लीनिंग कार्ड हैं। एक हमारा लॉन्ग है और दूसरा शॉर्ट है। इसके अलावा हम आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी इसमें हम आपको बताएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमें जो ऑलरेडी इसमें कार्ड पहले से रखे हुए हैं वो हमें इसमें से निकालने होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे रखे हुए कार्ड, इसको हमने बाहर निकाल लिया। फिर इसके अलावा जो ऑलरेडी रिबन रखा हुआ है वो भी हमें बाहर निकालना है। ये क्लीनिंग कार्ड को यूज़ करने से पहले ये चीज़ें आपको करनी है, ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है ये। तो गाइज, इसमें ये जो आप सिल्वर कलर का बटन देख रहे हैं, ठीक है, क्लीनिंग कार्ड यूज़ करने से पहले हमें ये 2 से 4 सेकंड के लिए इसको कंटिन्यू प्रेस करके रखना है, ठीक है। जैसे इसको प्रेस करके रखेंगे, ये देखिए क्लीनिंग कार्ड ये मांग रहा है अब ये, और फिर यहाँ हम इसको क्लीनिंग कार्ड यहाँ इसको डालना शुरू कर देंगे। ये हमने फीड करना शुरू कर दिया है, अब ये ऑटोमेटिक अपने आप ही एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को। ये देखिए, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, साथ में लिखा हुआ भी आ रहा है क्लीनिंग रोलर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस। अब गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लीनिंग कार्ड हमने यूज़ किया। अब उसके बाद ये फीडर मांग रहा है, ये देखिए इंसर्ट फीडर मांग रहा है। अब ये फीडर हम इसमें डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, जो कि मैंने आपसे कहा था छोटा वाला क्लीनिंग कार्ड, ये हमने यहाँ लगा दिया कार्ड की जगह पे, और ये स्टार्ट हो गया। क्लीनिंग कार्ड रिमूव फीडर, ये ऑलरेडी बता रहा है ये क्लीन हो चुका है। अब हम इसको ढक्कन, जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था कि कुछ मैं आपको एडिशनल चीज़ें भी इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड है वो अब इसमें एडवांस जो चीज़ें हैं, एडवांस क्लीनिंग कैसे होगी वो आपको बताएंगे। आप देख रहे हो इसको, अगर एडवांस क्लीनिंग के लिए ये याद रखिएगा, इसको जब प्रेस करिएगा ये मिड रोलर यहाँ पर घूमेगा। ओके, आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, अगर इनकेस मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये मिड रोलर घूम रहा है। तो आपको क्या करना है, जो आपके लॉन्ग है ना, जो आपके पास क्लीनिंग कार्ड है, आप इसके अंदर ऐसे डाल दीजिएगा, यहाँ डाल सकते हो आराम से, और इसको जैसे प्रेस करिएगा 15 का रोलर घूम रहा है, आप देख सकते हो डस्टिंग निकलेगा इसके अंदर से। फिर उसके बाद आप ज़्यादा अंदर तक नहीं डालना है, आपको मिड रोलर पर थोड़ी सी 2 उंगली रखनी है आपको, ओके, और आपको मिड रोलर साफ़ करना है। इसके बाद अगर आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो, ऐसा नहीं, तो आप इससे है ना मिड रोलर प्रॉपर साफ़ कर सकते हो, जिससे आपका मिड रोलर प्रॉपर साफ़ हो जाएगा, जो आपकी प्रिंटिंग और अच्छी कर देगा। ये हो गया आपका एडवांस क्लीनिंग का, ऐसे कर सकते हो आप प्लीज़। सो गाइस, हमारा ये था क्लीनिंग कार्ड कैसे यूज़ करना है जेब्रा जेड एक्सपी सीरीज 3 में। आगे की वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी लगे आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।